येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सोमवार को वे बहुमत साबित करेंगे। अमित शाह से चर्चा के बाद मंत्री गठन होगा। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरने के चार दिन बाद येदियुरप्पा नए मुख्यमंत्री बन गए। वे पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा पहली बार कर्नाटक के सीएम बने थे 2007 में, लेकिन इस पद पर टिक पाए केवल 7 दिन। अगले साल यानी 2008 में फिर सीएम बने, लेकिन कार्यकाल रहा सिर्फ 3 साल 66 दिन का। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, फिर भी येदी ने 17 मई 2018 को सीएम पद की शपथ ले डाली, लेकिन 3 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। इस बार कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार को 14 महीने में ही गिरा दिया गया और फिर येदी की लॉटरी लग गई। हालांकि येदियुरप्पा के लिए मंत्रिमंडल का गठन बड़ी चुनौती होगा। बताया जा रहा है कि 56 विधायकों ने 3 या ज्यादा चुनाव जीते हैं, तो मंत्री पद पर इनकी डिमांड होगी। इनमें 15 बागी भी शामिल हैं। ऐसे में येदियुरप्पा के लिए नए सीएम के पद के साथ नाराजगी को दूर करना भी बड़ी चुनौती होगी। हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें।